कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स से दुनिया दहशत में है। दुनिया भर में संक्रमण के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी वायरस दस्तक दे चुका है। उधर अमेरिका में 2800 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वहां हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर परेशान है। तो अमेरिका ने हेल्थ इमरजेंसी भी इसको लेकर के घोषित की है, क्योंकि अमेरिका में 2600 से ज्यादा केस मिले हैं, जो चिंता का विषय है। भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स जिसको लेकर के WHO भी चिंतित है और इसको वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया गया है। दुनिया भर में इसको लेकर के दहशत है। कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। 16,000 से ज्यादा मामले दुनिया भर में सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के। तो मंकी पॉक्स की वजह से दुनिया दहशत में है, लेकिन ये मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स वायरस के जरिए फैलने वाला इंफेक्शन है। पहली बार 1958 में बंदरों में ये पाया गया। साल 1970 में मिला मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला। मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में ये वायरस मिलता है। मंकी पॉक्स को लेकर अमेरिका से लेकर WHO तक सतर्क हो गया है। भारत में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वायरस से संक्रमित लोगों को तेज बुखार, स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं। मरीज को सिर, मांसपेशियों में या सीने में दर्द हो सकता है। संक्रमित मरीज के गले में खराश और खांसी भी हो सकती है। किसी को मरीज के संपर्क में आने के 21 दिन में ऐसे लक्षण दिखे तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। उधर पुतिन की सेना ने मध्य पूर्व यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए वहां हमले तेज कर दिए। इन हमलों का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सुखोई 25 लड़ाकू विमान निप्रोपेट्रोव्स्का इलाके पर हवाई हमले के लिए उड़ान भरते नजर आए। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचते ही इन फाइटर जेट ने वहाँ मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सैनिक एक जंगल में पेड़ों की आड़ लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि उसने इन हमलों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। ईरान दौरे से लौटने के बाद क्या पुतिन अपने ही मुल्क में डरे सहमे हुए हैं? यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन वाकई बैकफुट पर या सिर्फ हवा बनाया जा रहा है? क्या है पुतिन का फरारी प्लान? एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। रूस की जीत जितनी दूर, पुतिन की फरारी प्लान उतना करीब। ऐसा अनुमान लगाया है उनसे नजदीक रहे एक नामचीन हस्ती ने। रूस से पुतिन के एग्जिट प्लान का सिलसिलेवार ब्यौरा और हवाई रूट तक का खुलासा किया गया। पुतिन ने अपने मुल्क से मोह भंग की कई वजह गिनाई, जैसे यूक्रेन पर युद्ध थोपने से रूस की विश्व बिरादरी में साख घटी। यूक्रेन युद्ध से रूस में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट आया। यूक्रेन से जंग खत्म हो ना हो, रूस का दिवाला निकलने का खतरा है। पुतिन के खिलाफ आवाम का गुस्सा भड़कने की भविष्यवाणी को उनकी तेहरान यात्रा से जोड़ा गया है। हाल ही में ईरान से लौटे प्रेसिडेंट पुतिन के डरे सहमे होने की बात कही जा रही है। हालांकि यूक्रेन में रूस का सैन्य ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। दोनों सेनाओं में जबरदस्त भिड़ंत के बीच अचानक पुतिन के बैकफुट पर जाने का क्या सिर्फ हवा बनाया जा रहा है, या फिर हकीकत में क्रेमलिन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? पक्की जानकारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी, लेकिन पहले बारूदी अखाड़े का ये ट्रेलर देखिए। रॉकेट की बौछार, धरती फाड़ मिसाइलों की मार, क्लस्टर बम जैसे धमाके, जंगी जेट से, तोप से, टैंकों से बरस रहा बेहिसाब बारूद, जिन पर बरसा वो भयभीत, जो बरसा रहे वो भी खौफ में जीने को मजबूर। बारूद का खेल होता ही ऐसा है, जिसकी तपिश से बचना नामुमकिन है। रूस के राष्ट्रपति को आग से खेलने के खतरे का बखूबी पता है।
उन्होंने जिस युद्ध को हल्के में लिया, जिसे महज कुछ दिनों का मिलिट्री ऑपरेशन समझा, वो एक ऐसे अंतहीन युद्ध में तब्दील हो गया जिसके खत्म होने के कोई आसार नहीं है। ये युद्ध हर गुजरते दिन के साथ विनाशकारी होता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसमें योद्धा बढ़ते और बदलते जा रहे हैं, इसलिए हर दिन उलटफेर हो रहे हैं, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन के रूस से जल्द दूसरे देश में ठौर तलाशने की भविष्यवाणी की जाने लगी। लेकिन किसने बताया पुतिन का ग्रेट स्केप प्लान? पुतिन से जुड़े इस खुलासे पर वेस्ट और अमेरिका को इतना यकीन क्यों हुआ? आखिर तेहरान में ऐसा हुआ क्या जिससे पुतिन की प्लानिंग लीक हुई? एक दिन की विजिट, हाई प्रोफाइल मीटिंग के बीच पुतिन ने ऐसा क्या किया जिससे उनका डर सरेआम हुआ? तेहरान समिट की तस्वीरों में क्या ये सीक्रेट छिपा है? हैदराबाद में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जहां शहर भर में पानी भरा नजर आया, तो वहीं फलमंडी तालाब में तब्दील हो गए। पहली बार देखने में लगा जैसे मौसमी की नदी बह रही हो, लेकिन फल मंडी में बारिश का पानी भर जाने की वजह से मौसमी तैरती नजर आई। फल मंडी में मौजूद लोगों ने पानी पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने लोगों की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फल मंडी में रखी मौसमी बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फल मंडी में मौजूद लोगों ने बाकी बचे फलों को बचाने की कवायद शुरू की। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि फल विक्रेताओं को भारी नुकसान हो गया और उनके कई टन फल बारिश के पानी में बह गए। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बूंदी जिले में हर ओर पानी ही पानी नजर आया। सड़कें हों या मैदान, सभी कुछ पानी में डूबे दिखाई दिए। लोगों के लिए घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। भारी बरसात के कारण जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे जिले के 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। नदी का पानी सड़क पर आने के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दिए। गुड़ा बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके दो गेट 2-2 फीट तक खोल दिए गए, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह दिया है। हालांकि यहां सवाल ये है कि जब हर ओर बाढ़ के हालात हों, तो लोग सुरक्षित ठिकाना कहां खोजें? इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुल के ऊपर बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य में कई लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के देवास में तो एक ट्रैक्टर को उफनती नदी को पार करना भारी पड़ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली एक नदी में उफान दिखाई दिया और फिर उसका पानी दो गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी की धार इतनी तेज थी कि गलती से भी उसमें कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। इसी बीच ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन